इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कैसे हम अपने लैपटॉप पे पीसी में वीएलसी मीडिया प्लेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। वीएलसी मीडिया प्लेयर बहुत ही पॉपुलर मीडिया प्लेयर है और यह सभी सभी तरह के वीडियो को सपोर्ट करता है। सभी तरह की वीडियो ऑलमोस्ट इसमें प्ले हो जाती है, हम बड़े आसानी से चला सकते हैं। अपने लैपटॉप पीसी में वीएलसी मीडिया प्लेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। सो हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीएलसी मीडिया प्लेयर डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सिस्टम को नेट से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है सिंपली वीएलसी टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर पे ही VLC videoland.org वेबसाइट दिखती है जो कि VLC ऑफिशियल साइट है। तो हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने VLC मीडिया प्लेयर का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए डाउनलोड VLC का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इसके नीचे यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। विंडो हो गया, iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, लाइनक्स हो गया, ये तमाम तरह के सॉफ्टवेयर यहाँ दिख जाते हैं, OS दिख जाते हैं। अब अपने सिस्टम के रिकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। VLC डाउनलोड के आगे एरो का निशान है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें चूज़ करना है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है। विंडोज़ है, एक विंडोज 64 बिट है, विंडोज़ ARM 64 बिट है। तो हमारा विंडोज 64 बिट है तो हम 64 बिट पर ही रहने देते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है विंडोज 64 बिट। तो हम अब डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड VLC पर क्लिक करते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये डाउनलोडिंग VLC 3.0.11 फॉर विंडोज 64 बिट के लिए डाउनलोडिंग स्टार्ट होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। ऑलमोस्ट 40 MB का ये सॉफ्टवेयर है VLC मीडिया प्लेयर। तो हम इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो यहाँ देखिए ये डाउनलोड होने वाला है। VLC मीडिया प्लेयर का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर देखिए ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ से हम फोल्डर में गए जहाँ पर ये डाउनलोड हुआ है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। हम बाकी प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, अब हमें इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ये हमसे रन के लिए पूछ रहा है, तो हमें रन पर क्लिक कर देना है। रन पर जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद हमें ओके करना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ नीचे नेक्स्ट 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 और यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए VLC मीडिया प्लेयर सेटअप प्रोग्रेस हो रहा है। यहाँ पर इंस्टॉलिंग हो रही है, VLC मीडिया प्लेयर यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। तो हम कुछ वेट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए लिखा रहा है रन VLC मीडिया प्लेयर। अब हम जैसे फिनिश करेंगे तो ये VLC मीडिया प्लेयर रन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आइकन आ गया है VLC मीडिया प्लेयर का। तो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। जैसे हम फिनिश करते हैं तो देखिए यहाँ पर VLC मीडिया प्लेयर ओपन हो चुका है, रन हो चुका है। तो इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं और यहाँ देखिए ये यहाँ पर VLC मीडिया प्लेयर रन हो चुका है। अब हम यहाँ पर कोई भी वीडियो बड़े आसानी से किसी भी तरह की वीडियो VLC मीडिया पर आसानी से प्ले कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगी। ये इंफॉर्मेशन आपके काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।